भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोबाइल डिस्पेंसरी बोल रहे हैं और दूसरी तरफ मोहल्ला क्लिनिक जो है वो बंद होता जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में आई हूँ, सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार और अभिनंदन रविंद्र लोहिया जी का, जिन्होंने आज ये मुहिम शुरू करी है, दो मोबाइल डिस्पेंसरी शुरू करी है। ये जन कल्याण का एक बहुत ही बढ़िया कार्य है, आपके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है सर। एक तरफ अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक चलाए हैं जहां पर फर्जी दवाइयां मिलती हैं, फर्जी पेशेंट होते हैं, जहां पर डॉक्टर इलाज ही नहीं करते, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ देख के आपको दवाइयां लिख के दे देता है, जहां पर ये पता चला है कि 20,000 से ज़्यादा गोस्ट पेशेंट्स मोहल्ला क्लिनिक में बनाए गए हैं। जब कोविड में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी दिल्ली को, तब मोटे मोटे ताले लगे थे मोहल्ला क्लिनिक्स में। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं जो मोबाइल डिस्पेंसरी जैसी या एम्बुलेंस जैसी सर्विसेज चला रहे हैं, निःशुल्क मोबाइल डिस्पेंसरी, ताकि लोगों तक अच्छी दवाइयाँ पहुँच सके, ताकि अच्छा इलाज पहुँच सके। इस सबके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हमारी प्रेरणा है। आप जानते हैं कि जहां पर मोहल्ला क्लिनिक्स में फर्जी दवाइयां मिलती हैं, उसी तरफ मोदी जी ने ये सुनिश्चित करा है कि जन औषधि केंद्रों में 50% से भी सस्ती, यानी 50% डिस्काउंट पर अच्छी गुणवत्ता की दवाइयां मिलती हैं। उसी तरह आप देखें तो पूरे भारत में ज़्यादातर स्टेट्स में आयुष्मान भारत लागू है, जहां पर 5,00,000 रुपये का मुफ्त इलाज सालाना मिलता है। जहां जहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, जैसे कि हरियाणा में तो चिर आयुष्मान योजना भी आ गई है, जहाँ पर 10,00,000 रुपये और, यानी डबल इंजन के सरकार का जलवा ये है कि 15,00,000 रुपया इलाज का मिल रहा है सालाना। लेकिन द्वेष की राजनीति के चलते आम आदमी पार्टी की सरकार आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने देती। समय आ गया है कि दिल्ली का मतदाता जागे और आगामी चुनावों में दिल्ली में भी भाजपा की सरकार लाए, यहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार का जलवा देखे और यहां पर भाजपा के सुशासन का मैजिक देखे, ताकि दिल्ली भी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। धन्यवाद। दिल्ली में रविंद्र लोहिया जी आज यहां पर दिल्ली का एक विधानसभा में निःशुल्क मोबाइल डिस्पेंसरी जो उद्घाटन है, आखिरी सौराज आ रही है, क्या कहेंगे, किस तरीके से? जी मैं ये कहूंगा कि हमारे मोदी जी की जो स्वास्थ्य नीति है और समाज के हर वर्ग को टच करके उनको शिक्षा स्वास्थ्य सुविधा देनी है, और बहन जी बांसुरी जी की जो पद ग्रहण करती ही एक कमिटमेंट थी समाज में कि मैं एक गुणवत्ता के आधार पे कि सब सुविधाएं शिक्षा स्वास्थ्य, तो बहन जी की जो इच्छा थी उससे प्रभावित होकर ये मोबाइल निःशुल्क डिस्पेंसरी दी जा रही है। और मैं सभी समाज के सभी भाई बहनों से कहता हूँ कि इस सुविधा का फ़ायदा लें और स्वास्थ्य आपके द्वार, ये सुविधा यहाँ शुरू हो रही है, तो इसका जो भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लें वो लें, यही मेरी समाज से। ये जो गाड़ी है ये विधानसभा में कौन कौन से इलाके में जाएंगे बता दीजिए। ये भाई साहब हमारी जो गाड़ियाँ हैं, हमारी विधानसभा में 6 गांव हैं, नारायणा है, झरेड़ा है, ईस्ट महरम नगर, वेस्ट महरम नगर, पहलादपुर और अंतराम डेरी, उसके अलावा हमारी क्लस्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है, जहाँ ना बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य का तो मतलब ही नहीं है, लोग स्वास्थ्य सेवा से बहुत ज़्यादा वंचित है। किबरी प्लेस है, ब्राड स्केयर है, संजय कैंप है, जिसमें स्वास्थ्य नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और हमारी जो सरकार यहाँ पर चल रही है आम आदमी की, वो वोट तो ले लेती है इनसे, लेकिन स्वास्थ्य के नाम पे, सुविधा के नाम पे बिल्कुल जीरो ना कह के माइनस में है। तो खासकर मेरा उन जगहों पे उद्देश्य है जो वहाँ पे वंचित रहे हुए हैं, वो जगह पे जाए। कितनी मोबाइल वैन आज समर्पित की जा रही है? आज 2 मोबाइल वैन समर्पित की जा रही हैं, जो दोनों दिल्ली कैंट क्षेत्र में चलेंगी, और वीकली हर जगह, हर एक दिन के बाद एक दूसरे दिन उस जगह पर पहुँच जाएगी। तो इसमें कौन कौन रहेंगे, डॉक्टर या नर्स? इसमें एक डॉक्टर होगा MBBS, नर्स होगी, और जितनी भी जेनेरिक दवा मोदी जी की जो योजनाएं हैं वो सारी दवाइयां होंगी।